नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी से है, जहां राज्य सरकार द्वारा दूरदराज से विद्यालयों में अध्ययन करने आने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल देकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा मालानी में 54 बालिकाओं को पूर्व सरपंच दिनेश पी शर्मा, प्रधानाचार्य नारायण दास स्वामी, व्याख्याता वैनाराम सोनग्रा, पीटीआई मोहनलाल गोयल, सावलराम चौधरी के सानिध्य में वितरण की गई। आपको बता दें कि साइकिल वितरण प्रभारी मोहनलाल बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए अतिथियों के हाथों से विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच दिनेश पी शर्मा ने बालिकाओं को कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के लिए विद्यालयों में निःशुल्क योजना लागू कर शिक्षा के लिए जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में बालिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सरकार की मंशा को पूर्ण करें। साइकिलें मिलने पर बालिकाओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। साइकिल वितरण कार्यक्रम में तेजाराम चौधरी, मोहनलाल गर्ग, अंजनी शर्मा, शैतान बिश्नोई, राणाराम नेहरा सहित विद्यालय स्टाफ व बालिकाएं मौजूद रहे। गुड़ा मालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। मैं वैनाराम सोनग्रा, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा मालानी। आज 11 नवंबर 2021 को स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच श्रीमान दिनेश पी शर्मा जी एवं प्रधानाचार्य श्री नारदास स्वामी की अध्यक्षता में 54 बालक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। साइकिलें प्राप्त करने के बाद बालिकाओं में खुशी का इजहार किया और राज्य सरकार की इस योजना से बालिकाओं को बहुत लाभ मिलेगा और शिक्षा के प्रति और जागरूकता उत्पन्न होगी। इसके लिए विद्यालय स्टाफ का पूर्ण रूप योगदान और मोहनलाल जी विष्णु साइकिल वितरण प्रभारी, इनके सानिध्य में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।